भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के रग रग में खेती किसानी बसी हुई है। देश के एक कोने पर आपको गेहूं के लहलहाते खेत दिखेंगे, तो कहीं किसी हिस्से में आपको फूलों की खेती होती हुई दिखाई देगी। देश के किसी भाग में आपको स्वादिष्ट सेब की फसल दिखेगी, तो किसी हिस्से में आपको 40 से 50 लंबे नारियल के पेड़ भी दिखेंगे। देश में अब किसान भाई बहन केवल पारंपरिक खेती बाड़ी पर ही निर्भर नहीं रह गए हैं। किसान मछली और मुर्गी पालन कर रहे हैं। देश के मैदानी इलाकों में आपको अलग तरह की खेती दिखेगी, तो पहाड़ी इलाकों में आपको विभिन्न तरह की खेती दिखेगी। दोनों जगहों पर खेती बाड़ी का तरीका भी अलग हो जाता है, और इसी अलग तरीके को जानने समझने और परखने डीडी किसान की किसान यात्रा अब निकल चुकी है देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ। इस यात्रा का हमारा पहला पड़ाव है मेघालय। भारत की बेहद खूबसूरत तस्वीर से, दाउकी से, मेघालय से, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ दाउकी रिवर से। ये इतना खूबसूरत है, इसका पानी भारत में सबसे क्लीन पानी में माना जाता है, सबसे साफ पानी में गिना जाता है। आज यहीं से इस गांव की तस्वीर आप तक पहुंचाने वाली हूं। किसान यात्रा में हम चल रहे हैं इसी के सारे इस गांव में, और देखेंगे कि ये गांव किस तरह से विकास कर रहा है, ये गांव किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा रहा है, ये गांव किस किस सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। इस गांव में न जाने ऐसी कितनी बातें होगी जो आप तक आज मैं पहुंचाने वाली हूं। और देखिए, उस गांव तक पहुंचने का सहारा जो है आज मेरी ये बोट बनने वाली है, इसी के जरिए उस गांव तक की जर्नी। बनिए मेरे साथ किसान यात्रा में। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। यहां आकर आपका मन कहीं खुश आ जाएगा। लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही दिखेगी। यहाँ की सुंदरता और लोगों का अपनापन आपको यह एहसास ही नहीं होने देगा कि आप अपने घर से दूर हैं। यात्रा जब आगे बढ़ी, यहाँ हमारी मुलाकात मेघालय और देश के भविष्य यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से होती है। इन बच्चों के चेहरे पर मासूमियत सी है। इन बच्चों से हमारी बात शब्दों में नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हुई। तो दोकी गांव में मैं दौरा कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पे जा रही हूँ। इसी गांव में मैं अगर घूम रही हूँ तो मुझे स्कूल से निकलती हुई छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ पेरेंट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप पेरेंट्स हैं बच्चों के? हाँ हाँ, मैं पेरेंट्स हूँ, मम्मी हूँ इसकी। अच्छा, इनकी मम्मी है। हाँ। यहाँ का एजुकेशन कैसा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा? पढ़ाई लिखाई? हाँ अच्छा है। क्योंकि मेघालय में हम हैं, तो मेघालय में अगर पूछा जाता है कि भाई यहाँ की पढ़ाई के लिए क्या क्या सोर्सेज है, तो पढ़ाई कैसा है? पढ़ाई इधर का बहुत अच्छा है, यहाँ मेनली पढ़ाई बहुत ही अच्छा है। टीचर्स बोलो, वो सब मीन्स टीचर उस बहुत गाइड करते हैं बच्चे लोग को, बहुत प्यार भी करते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी है। बहुत अच्छा है एजुकेशन इधर का, अच्छा लगता है। यानी इस गांव में पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके गांव में बात करूं मैं, इस गांव में इनकम के सोर्सेस क्या है? ऐसा तांबूल बोलो, लेडीज़ का बोलो, फिर जेंट्स का बोलो, बॉर्डर है, फिर लड़की लोग के लिए तांबूल है और ट्रेडिशनल ड्रेस है, बहुत कुछ है इधर पे। वो खुद बनाती है और मार्केट में सेल करती है? हाँ हाँ। अच्छा, और यहाँ की खेती किसानी? खेती किसानी भी होता है। होता है? आप क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अब हाउस वाइफ है? हाँ। अच्छा, गांव में ही स्कूल है या काफ़ी दूर जाना पड़ता है? नहीं, गांव में ज़्यादा दूर नहीं है, मीन्स 10th तक इधर में ही मिल जाएगा, सिर्फ 11th 12th थोड़ा दूर है, कॉलेज दूर है। कितना दूर हो जाता है? ज़्यादा नहीं है, 5-7 किलोमीटर ऐसे ही होगा शायद, ऐसा ही होगा। मुझे तो अभी ये पता नहीं है कॉलेज का, लेकिन स्कूल 10 अब भी इस गाँव में ही मिल जाएगा जी। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो वो घरों में बनाती है और मार्केट में सेल करती है। यहाँ मेनली मार्केट किसका लगता है? जैसे सबका एक होता है कि बड़े शहरों का, तो यहाँ मार्केट जो लगता है साप्ताहिक मार्केट होता है कैसा? वो 4 दिन बाद बाद का होता है। अच्छा। हाँ, 4 दिन बाद बाद का होता है, जैसा आज मंडे ट्यूजडे, फिर उस आज का दिन जैसा बाजार है, फिर 4 दिन बाद फिर से बाजार है, वैसा टाइप का। अच्छा।
और हमारी महिलाएं भी आराम से यहाँ पर गांव में टहल सकती हैं, कोई गांव में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं 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 नहीं, इधर प्रॉब्लम नहीं है। इस स्कूल से आगे बढ़ने पर हम एक और बाजार में पहुंचते हैं। यहाँ भी हमें तमाम महिलाएं दिखती हैं जो दुकान चला रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ज्यादातर दुकानों पर आपको महिलाएं ही मिलेंगी। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में आज जहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, उन्हें घरों से निकलकर बाहर काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वह मेघालय के रग रग में है और शायद ही असली महिला सशक्तिकरण है। इस बाजार में भी हमारी मुलाकात एक ऐसी ही महिला से होती है, सुनिए वह हमें क्या बताती है। इस गांव में सो मैंने टूरिस्ट ना आता है, ढेर में दूर दूर से आता है। मेरा गांव में देखेगा हम ये बिक्री, वो जूस बिक्री, क्या के दुकान भी है मेरा पास है, चाय कॉफ़ी मैगी सब कुछ बिक्री हम लोग, राइस एंड देन ये अचार भी होममेड का है, बट ये होममेड का है, अलग अलग फ्लेवर है, कोई मैंगो फ्लेवर भी होता सीजन में, और ये पिकल्स सीजन में होता और स्मॉल फिश भी होता। प्रेडिका जी यहाँ से सिर्फ महिला काम में अलग 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 काम से डिपेंड करते हैं, जो काम पे मैं अलग डिपेंड, ये अलग डिपेंड, क्योंकि मैं यहाँ महिला की काम करती हूँ। खासी ट्राइबल, नॉट खासी ट्राइबल, मैं जैंटिया ट्राइबल हूँ, वेस्ट जैंटिया हिल डिस्ट्रिक्ट में भी महिला पे काम करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एवरी मिल्स काम करते हो, एवरी महिला काम करते हो ना।